हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो इसके लिए टीम लगातार क्लासेस चला रही, यानी यूपीएसआई और ईएसआई की जो आपकी परीक्षा आगामी भविष्य में होने की प्रायोजना चल रही है विभाग के द्वारा, उन्हीं में हम पॉलिटी विषय के संबंध में इस समय पढ़ रहे हैं भाग 6 को, जिसमें हमने राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के विधानमंडल को पढ़ा था। आज उसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे कि राज्यों में जो विधानमंडल हैं, विधानमंडलों में आपका विधानसभा और विधान परिषद में किन किन सदस्यों की, मतलब किन राज्यों में सदस्यों की संख्या कितनी है, और साथ ही साथ यह देखेंगे कि संसद में जो विधेयक आपका जाता है वह विधेयक कैसे कैसे किन किन चरणों से गुजरता है। ठीक है, मतलब सदन में जो आपके विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल है, उन सबको, जो लोग अभी भी लोअर मेंस से फुल कोर्स से जुड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं, और टेस्टरी जो लेना चाहते हैं वो टेस्टरी ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी जल्द ही, इनके लिए क्लासेज, जो लोग फुल कोर्स लेंगे उनके लिए क्लासेज और डेली बेसिस पर आपके टेस्ट वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, और जो लोग टेस्टरीज हैं इनको भी आपकी टेस्टरीज मिलना प्रारंभ हो जाएगी। टीम अभी भी इसमें एडमिशन ओपन है, आप कोई भी हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप करिए क्या, आप जाइए जो है हमारी वेबसाइट पर, इस पर live.parikshaplus.org, या आप ऐप इंस्टॉल करिए परीक्षा प्लस का, वहां से जाकर सीधा रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें बात करनी है, दो तीन पॉइंट आपके बहुत अहम है, इधर बहुत चर्चा में रहे। एक तो हमें यह बात करनी है कि राज्य विधानमंडलों में अगर देखा जाए तो इसमें राज्य विधान परिषद आपकी एक्चुअल में कितनी है, कहां पर कितनी सीटें हैं, क्योंकि सीटों से संबंधित सवाल पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कितना है या आसपास किसी आपके प्रदेश में पूछ लेता है, तो इन सबको जानना है। थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है अभी, ठीक है, करंट में आपके परिवर्तन हुए हैं 19 में और 20 में, इन दोनों में कुछ जगह पर बदलाव हुआ है जिनकी वजह से बहुत सारे इसमें चेंजेज हुए हैं, उन्हीं चेंजेज को हमें समझना है और सीखना है, क्योंकि अगर सवाल आया तो वहां पर यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो हम बात करेंगे, सबसे पहली आपकी हेडिंग होगी कि विधानमंडल में विधायी कार्य पद्धति कैसे होती है, मतलब जो कानूनों का निर्माण होता है वह कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया आपके विधानसभा और विधान परिषद में कैसे कैसे होती है, इन्हीं पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, तो आज हम विधायी कार्यों को पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से सारी चीजों को सुनिएगा कि कानून का निर्माण कैसे होता है। कानून सबसे पहले किसी सदन में, चाहे आपका उच्च है चाहे निम्न है, एक बिल आएगा। ठीक है, एक बिल यानी प्रस्ताव आएगा, विधेयक आएगा, जिसको आप विधेयक भी बोलते हैं, उस पर पहले वाले सदन में फिर चर्चा प्रारंभ होती है, सारी चीजें होती हैं, वोटिंग होती है, वहां से जब पारित होता है तो दूसरे सदन में जाता है, अगर दूसरा सदन है वो उस राज्य में, उसके बाद फिर राज्यपाल को जाता है जहां राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तो यह प्रक्रिया आपकी दोनों सदनों से होकर गुजरती है। अब जितना आसानी से मैंने बता दिया, इतना आसान तो है नहीं ये प्रक्रिया, समझिए। जब कोई साधारण विधेयक होता है, ठीक है, साधारण विधेयक, विधेयक जो आपके होते हैं, ठीक, एक आपका ऐसा विधेयक होगा जिसमें, जिसको लाने पर हमें जो है पारित कराने में बहुत सारी चीजें ना करनी पड़े, या जो ये विधेयक आपके माने जाते हैं साधारण विधेयक में आपके, अब मान लीजिए जो संशोधन से संबंधित हो गए, विशेष संशोधन नहीं है अगर करना है, ठीक है, संविधान में, तो वो स्पेशल आपके हो जाते हैं, ठीक है, विशेष विधेयक होते हैं, ये साधारण विधेयक के अंतर्गत कुछ भी है, ठीक है, जो सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत है, समझिए। सदन में बने विधेयक एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी सदन में निर्मित हो सकता है, वो चाहे उच्च सदन है चाहे निम्न सदन है, किसी में भी आपका विधेयक निर्मित हो सकता है। विधेयक तीन स्तरों के बाद पारित होता है, सबसे पहले उसको तीन चरण से गुजरना पड़ता है। तीन चरण में आपका कौन सा, पहले उस पर प्रथम वाचन होता है किसी विधेयक पर, फिर द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है, उसके बाद आपका तृतीय वाचन होता है। ये तीन वाचन होते हैं किसी भी विधेयक पर, उसके बाद आपका विधेयक पारित होता है एक सदन से। देखिए, एक सदन में पारित हो गया तो दूसरे सदन में विधेयक जाएगा, ठीक है, दूसरे सदन में भी इन तीनों स्तरों को, वहां पर भी यह प्रक्रिया निभाई जाएगी, पहले प्रथम वाचन होगा, फिर द्वितीय वाचन होगा, फिर तृतीय वाचन होगा, तब वह आपका दूसरे सदन से पारित होता है, ठीक है। और जब विधेयक, कोई भी विधेयक आपका विधानसभा से पारित होगा, ठीक, इसके बाद विधान परिषद में भेजा जाता, तो वहां तीन विकल्प होते हैं, वो क्या कर सकता है, विधान परिषद आपकी जो विधानसभा ने उसको विधेयक भेजा है उस विधेयक पर, ठीक है, कोई कार्यवाही ना की जाए और विधेयक को विचाराधीन रखा जाए। विधान परिषद ऐसा कर सकती है कि वह विधेयक को विचाराधीन की अवस्था में रख सकती है, कोई परिचर्चा ही ना कराए। दूसरी चीज,
कुछ संशोधनों के बाद पारित कर विचारार्थ इसे विधानसभा को भेज दिया जाए। ठीक है, वो क्या करे, वो अपनी ये रिकमेंडेशन दे, अनुशंसा दे कि इसमें ये बदलाव होने चाहिए, उसके साथ वो आपका विधानसभा को वापस भेज दे। तीसरी चीज, इसे उसी रूप में यानी बिना संशोधन के पारित कर दिया जाए, तो ऐसा भी आपका उच्च सदन विधान परिषद कर सकती है। इन तीनों आपके जो विकल्प उसके समक्ष मौजूद है उनमें विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। साधारण विधेयक पारित करने के संदर्भ में विधानसभा को खास शक्ति प्राप्त है। ठीक है, जैसे वहां पर लोकसभा को है, ऐसे यहां विधानसभा को है। ज्यादा से ज्यादा परिषद एक विधेयक को 4 माह के लिए रोक सकती है, यह सवाल पूछता है। ठीक है, 4 माह से ज्यादा नहीं रोका जा सकता, यानी 120 दिन से ज्यादा नहीं रोका जा सकता है। पहली बार में 3 माह के लिए, दूसरी बार में 1 माह के लिए, 4 माह ये होंगे, एक साथ नहीं होंगे। ठीक है, अगली चीज, संविधान में किसी विधेयक पर असहमत होने के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं रखा गया है। अगर संविधान में किसी विधेयक पर आपकी असहमत बन रही है तो वहां ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, इस बात को याद रखना है। अब राज्यपाल की स्वीकृति, दोनों से मान लीजिए विधेयक पारित हुआ तो वह भेजा जाएगा आपके किसके, राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति देगा। तो विधानसभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष मंजूरी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के समक्ष, वो राज्यपाल के समक्ष जब विधेयक जाएगा मंजूरी के लिए, तो वहां पर क्या करता है, राज्यपाल के पास 4 विकल्प मौजूद होते हैं। वो क्या करे कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख ले। ठीक है, पहला कदम यह उठा सकता उस विधेयक पर। दूसरी चीज, वह विधेयक को अपनी मंजूरी देने से रोके रखे। तीसरी चीज, वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। और चौथी चीज क्या करे कि भैया वह विधेयक को मंजूरी दे दे कि ठीक है, मंजूर है, तो वह कानून बन जाएगा विधेयक आपका। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अगर कोई, मान लीजिए राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखता है, तब क्या होगा, यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रखा जाता तो राष्ट्रपति या तो अपनी मंजूरी दे दे या उसे रोक सकता है, या विधानमंडल के सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके बाद प्रक्रिया देखते हैं मनी बिल की यानी धन विधेयक की। ठीक है, मनी बिल देखिए, राज्यों में भी वही चीजें हैं जो आपके केंद्र सरकार में चीज व्यवस्थाएं होती हैं। 110 अनुच्छेद 110 पर हमने परिचर्चा की थी। जो आपका मनी बिल होता है, वित्त विधेयक होता है, या राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक को पारित करने के मामले में संविधान में विशेष व्यवस्था है आपकी। ठीक है, समझिए यह कैसे है। वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहां पर, जैसे वो राज्यसभा में आपका पेश नहीं किया जा सकता जो है संसद में, ऐसे राज्य में विधान परिषद में आपका वित्त विधेयक पेश नहीं होगा। दूसरी बात, यह केवल विधानसभा में ही राज्यपाल की संस्तुत के बाद पेश किया जा सकता। जैसे वहां पर राष्ट्रपति की संस्तुत जरूरी होती है, वैसे ही यहां पर राज्यपाल की संस्तुत आपकी जरूरी होती है। तीसरी चीज, इस तरह का कोई भी विधेयक सरकारी विधेयक होता है और सिर्फ एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। मनी बिल एक मंत्री के द्वारा पेश किया जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। अगली चीज, विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद एक वित्त विधेयक को विधान परिषद को विचारार्थ भेजा जाता है। विधान परिषद के पास इससे इसके मामले में प्रतिबंधित शक्तियां हैं, वह ना तो इसे अस्वीकार कर सकती और ना ही इसमें संशोधन कर सकती, वो इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसे इसमें संस्तुत देनी होती है और वह भी 14 दिनों के भीतर। अगर 14 दिन के भीतर उसने संस्तुत नहीं दी तो अपने आप पारित उसको मान लिया जाता है, उसकी जो है संस्तुत की जरूरत ही नहीं तब। अब उसके बाद बढ़ते हैं, अंततः एक वित्त विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता, तब वह इस पर अपनी मंजूरी दे सकता, इसे रोक सकता या राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता। लेकिन जो चूंकि जो है धन विधेयक राज्यपाल की सहमत से पेश किया जाता है, इस वजह से राज्यपाल उस पर विधानमंडल को, ठीक है, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। आपकी भैया पहले सहमत ली गई कि ये चीजें हो कि ना हो और आपने पहले हां कर दिया तो आप रोक थोड़ी सकते हो। अब हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के सदस्य संख्या, यह बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िए। कैसे, देखिए राज्य विधानमंडल में अगर देखा जाए, ठीक है, ये आपका लेटेस्ट डाटा है अभी तक का, जितनी चीजें परिवर्तित हुई हैं। देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जो आपकी संख्या है, पूछता है सवाल कि
राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो वह अपना उत्तर प्रदेश है। यहां पर सदस्यों की संख्या 403 है। पश्चिम बंगाल इसके बाद आता है, जहां पर आपका 294 सदस्य संख्या है। इसके बाद तीसरा स्थान आपका महाराष्ट्र है, जहां पर सदस्य संख्या 288 है। और चौथा स्थान आपका बिहार का है, यहां विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। ठीक है, ये टॉप 5 तो आपको याद ही रखने हैं। और पांचवा जो है ये तमिलनाडु का है स्थान, यहां विधानसभा सदस्यों की संख्या 234 है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 230 आपके विधानसभा सदस्य मौजूद हैं। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में 224 है। राजस्थान में देखा जाए तो यहां 200 है सदस्य संख्या। गुजरात की बात की जाए तो 182 सदस्य यहां विधानसभा में है। ऐसे आपका आंध्र प्रदेश है, ठीक है, 175 है। इसमें पहले आपका 294 थे, लेकिन जब तेलंगाना का विभाजन हुआ तो बाकी सीटें तेलंगाना के पास पहुंच गई। पूछता है कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि विभाजन के पूर्व आंध्र प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें थी, तो 294 थी। ओडिशा की अगर बात करते हैं तो 147 है। केरला की बात करते हैं तो यह 140 है। असम की 126 है। तेलंगाना में 119 है। मैंने बताया ना 119 ये और 175 ये, तो ये आपके मिलके वहां पर जो है पहले इसकी सदस्य संख्या बढ़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं 117 है यहां पर। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहां 90 है। हरियाणा में भी 90 है, इन दोनों को याद रखिएगा। झारखंड में आपका 81 है। झारखंड में जो सदस्य संख्या है विधानसभा की वह 81 है। जम्मू कश्मीर में 76 है। इस पर स्टार लगा है, क्यों लगा है अभी बताऊंगा। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को जरूर याद रखना, यहां पर भी सदस्य संख्या विधानसभा की 70 है। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है आपका, यहां पर भी सदस्य संख्या 70 है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहां 68 आपके हैं विधानसभा जो है सदस्य। अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में भी 60 है, मेघालय में भी 60 है, नागालैंड में भी 60 है, त्रिपुरा में भी 60 है। ठीक है, अब गोवा ये न्यूनतम वाला जरूर पूछता है। गोवा में आपका 40 है, मिजोरम में 40 है, 32 सिक्किम में और 30 आपका पुदुचेरी में है। ये पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है किसके लिए, इनके लिए, मतलब विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। अब इसमें एक तो आंध्र प्रदेश वाला याद रखना और तेलंगाना वाला याद रखना कितने कितने हैं और पहले कितना था। ठीक है, दूसरी बात जम्मू कश्मीर वाला आपको जैसे मैंने जितना बताया, जैसे जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत पाक अधिकृत क्षेत्र जो पीओके है, ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते जो पाक अधिकृत क्षेत्र है, इसके 24 ठीक है सीटों को छोड़कर राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 87 है। ठीक है, 24 सीटों को छोड़कर ये हम लेंगे, ठीक है, ये हम फिर लेंगे 24 सीटें। भारत उसकी तैयारी कर रहा है, आने वाले दिनों में कभी भी कुछ हो सकता है। जिसमें से 7 सीटें आपकी जम्मू कश्मीर के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 के तहत ये जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, एससी के लिए आरक्षित हैं, इस जो है 87 में से, बाकी 24 की अभी गिनती नहीं हो रही। तो जम्मू कश्मीर में कुल अगर देखा जाए तो 87 और 24 जोड़ लेना तो 1 हो गया, और 8, 2, 10, 11 111 सीटें हैं। ठीक है, 87 और 24 मिला के 111 सीटें हैं, ये हमें पूरा का पूरा लेना है। भविष्य में भारत इस पर जरूर काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं विधान परिषदों की संख्या। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में कि विधान परिषद वाले राज्य जो है वो 7 है। आज उसका अपडेटेड डाटा पढ़िए, ठीक है, कि विधान परिषद की संख्या कितनी। अभी सवाल आपसे पूछ ले कि वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है, तो आप बोलोगे 7, गलत जवाब है, समझिए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य हैं, महाराष्ट्र की विधान परिषद में 78 हैं, बिहार की विधान परिषद में 75 हैं और कर्नाटक में 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 58 हैं, तेलंगाना में 40 हैं और जम्मू कश्मीर में 36। अब आप कहोगे गुरुजी आपने 7 ही तो फिर से बताया। देखो भैया, जो आपकी आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश ने जनवरी 2020 की बात है अपने यहां विधान परिषद को समाप्त कर दिया, ठीक। और जम्मू कश्मीर जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना तो किसी भी जो है केंद्र शासित प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, यह भी समाप्त हो गया। तो अगर अब आपसे सवाल पूछता है कि वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्यों की संख्या कितना है, तो आप जवाब देना 5, ठीक है। अब आपके 7 विधान परिषद के राज्य नहीं रह गए, इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। जम्मू कश्मीर जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश बना उसकी विधान परिषद समाप्त हो गई, और उसके बाद आंध्र प्रदेश ने अभी क्या किया है, इसमें जनवरी में ही एक विधेयक पारित किया है कि वह भी अपने यहां से विधान परिषद को समाप्त कर रहा।
तो आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों की विधान परिषद अभी जो है स्वतः एक तो स्वतः समाप्त हो गई, केंद्र शासित प्रदेश जैसे बना और आंध्र प्रदेश ने स्वयं से उसको क्या किया, समाप्त कर दिया। तो अब विधान परिषद रखने वाले सदस्यों की राज्यों की संख्या कितनी है, केवल 5 है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, जनवरी 2020 की बात है। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। 1947 में अपने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने वाला पहला राज्य असम था। असम ने सबसे पहले विधान परिषद की समाप्ति की थी, इस बात को याद रखिएगा। सबसे अंत में विधान परिषद समाप्त करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर, इसका तो अपने आप समाप्त हो गया। ठीक है, अब ये चीजें यहां पर अगर सवाल पूछ ले कि सबसे अंत में किसने अपनी जम्मू परिषद जो है विधान परिषद को समाप्त किया, तब आप ये जम्मू कश्मीर नहीं आंध्र प्रदेश चुनेंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश अभी जनवरी 20 में किया है। ठीक है, ये 19 की बात है। ठीक है, 19 वही अगस्त में तो वो प्रस्ताव आया, उसके बाद सारी चीजें बनी है, तो ये 19 वाला है। ये यहां पर जो है सेकंड लास्ट एक तरीके से रहा, आंध्र प्रदेश आपका सबसे नवीनतम है जिसने अपनी विधानसभा विधान परिषद को समाप्त किया। अब राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार क्या है, भैया इनके कुछ स्पेशल अधिकार होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 14 कहता है कि हमें राइट टू इक्वलिटी है, लेकिन राइट टू इक्वलिटी आपके किसी सांसद विधायक को वहां पर चीजें नहीं होती हैं, दूर हो जाती है, वो राइट टू इक्वलिटी दूसरी चीजें हैं जो भारतीय संविधान में लिखी है। ठीक है, यहां पर देखिए राज्य विधानमंडल के कुछ विशेष अधिकार, विधानमंडल के सदनों, उसकी कमेटियों और सदस्यों को अपने कार्यों को प्रभावी रूप से सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की जरूरत होती है। ठीक है, बिना इन सुविधाओं के सदन न तो वह व्यवस्था बना सकते और न ही अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते, इसीलिए इनके अलग अलग विशेषाधिकार बनाए गए। एक तो सामूहिक विशेषाधिकार है, यह क्या है, प्रत्येक सदन को मिलने वाली सामूहिक विधानमंडलीय सुविधाएं इस प्रकार, जैसे सदन की कार्यवाही की जांच अदालत नहीं कर सकती, एक तो ये चीजें। दूसरी चीज देखा जाए अगर, इन्हें अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करने और कार्यवाही में बहस करने का अधिकार है। तीसरी चीज, अपने सदस्य के पकड़े जाने, जेल में डालने या छूटने की त्वरित जानकारी इनको लेने का अधिकार है कि मेरा सदस्य जो है कैसे पकड़ लिया आपने। इन्हें यह भी अधिकार है कि महत्वपूर्ण मामले में गुप्त मंत्रणा करें, उसमें जरूरी नहीं कि आप ये सार्वजनिक ही हो। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार क्या होते हैं, वो ये होते हैं कि सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी भी आपके विधायक को। कोई विधायक है तो सदन चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। दूसरी चीज, केवल फौजदारी मामले में क्या हो सकती है, ऐसी चीज हो सकती है, बहुत बड़ी चीज कर दे तब तो होगा ही, राज्य विधानमंडल में उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, जाहिर सी बात है सदस्य हैं, उसके द्वारा दिए गए मत या विचार को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। तीसरी बात, वह न्यायिक मामलों से मुक्त होते हैं, जब सदन चल रहा हो तो वह साक्ष्य देने या किसी केस में बतौर गवाह उपस्थित होने से इनकार कर सकते हैं कि वर्तमान में हमारा सदन चल रहा, हम जो है नहीं पहुंच सकते। तो ये पूरी परिचर्चा आपके राज्य विधानमंडल के बारे में, भाग 6 के बारे में सब कुछ हो चुकी है। आगे जब हम बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट और उसके अधीनस्थ न्यायालयों की बात करेंगे, अगले भाग में वो होगा। ठीक है, तो तब तक मस्त होकर पढ़ते रहिए। जो लोग एसआई के लिए वीडियोस देख रहे हैं, ये भैया जैसे ही सारी चीजें आपकी समाप्त होती हैं उसके बाद मैं पुनः लौटूंगा और फिर से आपकी पूरी चीजें जो इसमें बाकी है भाग 5 तक वो सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा, तो परेशान नहीं होना, ऐसे मस्त होकर पढ़िए। ठीक है, जिनको हर एक क्लासेज की पीडीएफ चाहिए वो 499 का सब्सक्रिप्शन प्लान ऐप से जाकर परचेज कर सकते हैं, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको लेना है तो लीजिए। ठीक है, आपको फ्री में सारी चीजें मिल रही हैं, हम सारी चीजें फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, वीडियोज जो है हमारी मेहनत है, बाकी यानी सदस्यों की मेहनत है, उसके लिए चार्ज लेते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, तब तक के लिए धन्यवाद।